नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कोटेक सिक्योरिटीज में बाई सेल कैसे कर सकते हैं स्टॉक्स। तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले क्या करें, अपना कोटेक सिक्योरिटीज ऐप जो है वो लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको ओपन होगा। निफ्टी सेंसेक्स है, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ट्रैकर है, आपका जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे वॉचलिस्ट है, वॉचलिस्ट में कौन कौन से स्टॉक आपने ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको नेट पोजीशंस, आपने कौन सा पोजीशंस आज के टाइम में लिया है और उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अवेलेबल इक्विटी आपका अमाउंट कितना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपके बाय सेल के कॉल्स हैं कोटेक सिक्योरिटीज की तरफ से, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सब। टेक्निकल डेरिवेटिव तो वो सब कॉल्स आप ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आप इसमें सीख सकते हैं बाई सेल करना। तो यहाँ पे देखें, बहुत से लोग पूछते हैं सर यहाँ मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी चाहिए, सेंसेक्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें, आप थोड़ा नीचे चले आए, नीचे आएंगे यहाँ पे, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप सेंसेक्स को अनलॉक कर दें और निफ्टी में टिक कर दें और इसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका आ गया है, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं दोनों, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए आपने सब कुछ सेट कर दिया है। अब आपको जाना कहाँ है, सबसे पहले आपको स्टॉक ऐड करना है अपने वॉचलिस्ट में। तो यहाँ पे वॉचलिस्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें मेरा वॉचलिस्ट है। अगर आपको कोई क्रिएट करना है वॉचलिस्ट तो आप क्रिएट कर सकते हैं ऐड वॉचलिस्ट करके, लेकिन मेरा जो है यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है वॉचलिस्ट, तो मैं वॉचलिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका ऐड नहीं है तो यहाँ पे ऐड वॉचलिस्ट कर देंगे, नाम अपना सेट कर देंगे, ओके कर देंगे, आपका वॉचलिस्ट चला आएगा। तो मैं अपने वॉचलिस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें सारे मेरे स्टॉक्स हैं और यहाँ पे मेरा एलटीपी चेंज और चेंज परसेंटेज आपको दिख रहा होगा। तो मुझे स्टॉक्स ऐड करने, तो ऐड कहाँ से होगा, आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई सा भी स्टॉक जो ऐड करना है उसका नाम आप टाइप कर दें। मान लो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे इन्फोसिस, तो मैंने यहाँ पे इन्फोसिस टाइप किया। तो यहाँ पे देखिए INFY, ये इन्फोसिस लिमिटेड का सिंबल है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें वॉचलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें वॉचलिस्ट पे और यहाँ पे मूर्ति मेरा जो वॉचलिस्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा वॉचलिस्ट में ऐड हो गया, स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एडेड इन योर वॉचलिस्ट, ओके कर दें। अब आना कहाँ पे, फिर से आप वॉचलिस्ट में चले आए, फिर से इसको बैक कर दें। बैक करने के बाद यहाँ पे आप फिर से बैक कर दें इसको। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका वॉचलिस्ट में इन्फोसिस जो है वो ऐड हो गया है, जो लास्ट में इन्फोसिस आपका ऐड हो गया है। तो ऐसे करके आप स्टॉक जो है ऐड कर सकते हैं अपने वॉचलिस्ट में। अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल क्या करना है, स्टॉक को होल्ड करें या थोड़ा फॉरवर्ड कर दें, आपको डिलीट का ऑप्शन चलाएगा यहाँ वाला, इस पर आप क्लिक करें और स्टॉक डिलीट हो जाएगा आपका, समझ गए। तो यहाँ पे आपको अंडू करना है तो अंडू कर दें, तो यहाँ पे अंडू कर देंगे तो मतलब जो स्टॉक है वो वहीं चला आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बाय करना है IOC। तो IOC बाय करना है, उसके लिए क्या करना होगा, मेरे वॉचलिस्ट में ये स्टॉक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ IOC पे। जैसे ही मैंने IOC पे क्लिक किया यहाँ पे देखें आपको प्राइस दिख जाएगा NSE BSE। दोस्तों NSE और BSE जो है दो एक्सचेंज है इंडिया में जहां पे स्टॉक ट्रेड होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई जरूरी नहीं है कि आप NSE पे ही ट्रेड करें, आप BSE पे भी ट्रेड कर सकते हैं और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ NSE पे ही ट्रेड करना है। ये आपकी मर्जी है कि आप NSE पे ट्रेड करते हैं या BSE पे ट्रेड करते हैं। अगर आपको BSE पे ट्रेड करना है तो BSE के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, स्टॉक BSE का चला आएगा। तो थोड़ा बहुत का प्राइस डिफरेंस रहता है, आप उसका दिक्कत मत लें। आप NSE, मान लो मुझे NSE पे ट्रेड करना, तो मैंने NSE पे यहाँ पे पुट कर दिया। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखें आपको डे हाई लो दिख रहा है 75.40 और यहाँ पे 76.75 और 52 वीक हाई लो यहाँ पे दिख रहा है 71.15 और 148.95। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो डिविडेंड अच्छा देती है और अगर मैं इस प्राइस पे बाय करता हूँ तो मुझे डिविडेंड यील्ड जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी है और कुछ वजह से वो प्राइस नीचे है उसका, तो आप जो है एक्युमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखें कि आपको कितने पैसे डालने हैं उसमें। तो यहाँ पे देखें आपको बिड एंड आस्क यहाँ पे दिख जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। मार्केट डेप्थ, मैं एक बार दोस्तों ये बता दूं आपको मार्केट डेप्थ क्या होता है। मार्केट डेप्थ क्या होता है, यहाँ पे आस्क मतलब सेलर प्राइस, बिड मतलब बायर प्राइस। तो मतलब यहाँ पे सेलर जो है इतने क्वांटिटी इतने प्राइस पे देने के लिए तैयार है और बायर जो है इतना क्वांटिटी इतने प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है। तो आप एक बार ध्यान रखेंगे, बिड
आस्क एंड बिड प्राइस में जो है डिफरेंस जितना कम होगा स्टॉक उतना अच्छा है, मतलब लिक्विड स्टॉक है, आप जल्दी एंट्री करके जल्दी निकल सकते हैं। अगर इस दोनों प्राइस में डिफरेंस ज्यादा है तो आपको लॉस होने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो स्टॉक जो है इलिक्विड स्टॉक है। तो बस आप इतना समझ लें। इसके बाद आप यहाँ पे देख लें, इनसाइट दिया हुआ है, आप उसको छोड़ दें, आपको बाय सेल करना है। आप ऊपर चले आए, यहाँ पे देखें बाय सेल का ऑप्शन चला आएगा ऑटोमेटिक ही, आपको बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं आपको प्राइस यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे आपको कितना अपसाइड है स्टॉक या डाउनसाइड है वो भी दिख जाएगा। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, मुझे क्वांटिटी पुट करना है, बस क्वांटिटी मैं पुट कर दे रहा हूँ अपना, 5 क्वांटिटी मान लो मुझे लेना है और मुझे मार्केट में लेना है, तो यहाँ पे मैंने मार्केट पे क्लिक कर दिया। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना है दोस्तों, तो प्राइस जो रहेगा सो वो तो आपको दिख जाएगा। क्वांटिटी अपना पुट कर दें, मार्केट ऑर्डर यहाँ पे आप टाइप कर दें, आपका ऑर्डर मार्केट में बाय हो जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना मुझे, तो मैं मार्जिन ट्रेडिंग इसको कैंसिल कर देता हूँ, मार्जिन ट्रेडिंग मुझे करना ही नहीं है, मुझे कैश में बाय करना है। तो दोस्तों इसमें एक चीज दिक्कत है, आप कोटेक सिक्योरिटी में बताऊंगा आपको, आप जो बाय करते हो ना आपको ये पता नहीं है इसमें कि इंट्राडे बाय कर रहे हो या डिलीवरी बाय कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा कैसे है। ये जो मैं बाय कर रहा हूँ वो डिलीवरी बाय ही है, मतलब मैं इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फंड्स में क्या होता है। तो देखिए मार्केट क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर ये कुछ मत करें, ये AMO मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है और मार्केट क्लोज होने के बाद आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये SOR ऑर्डर मतलब जो भी NSE BSE पे जो भी प्राइस उसको अच्छा मिलेगा वहां से आपको बाय कर लेगा। सुपर मल्टीपल्स मतलब इसे मार्जिन ज्यादा मिलेगा आपको, ये इंट्राडे ऑर्डर है। डिस्काउंट क्वांटिटी क्या होता है, अगर आपने कोई लार्ज क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको मन है कि मुझे एक्सचेंज पे सिर्फ इतना ही क्वांटिटी दिखाना है, तो अप टू 1/10 जो है क्वांटिटी आप दिखा सकते हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दें आप इसको। एडवांस जो है ऑर्डर मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप समझ लें बाय सेल कैसे करते हैं। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो मार्केट क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर लगा दिया। अगर आपको मार्केट में बाय नहीं करना तो यहाँ पे आप अनबॉक्स करके यहाँ पे अपना प्राइस डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी प्राइस आपको मन हो बाय करने का, लेकिन याद रखें वो 330 तक ही वैलिड रहेगा, 330 के बाद ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं मार्केट में मुझे अभी बाय करना है तो मार्केट लगा दिया मैंने और यहाँ पे मैं कन्फर्म के ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा, मार्केट क्वांटिटी आपका दिखा रहेगा, नॉर्मल ऑर्डर है, ऑर्डर टाइप देखें यहाँ पे नॉर्मल ऑटोमेटिक आ गया, एडवांस ऑर्डर गुड फॉर द डे मतलब ये वैलिड रहेगा पूरे दिन के लिए, तो हमेशा GFD लगाएं गुड फॉर द डे। इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली, आपका ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिख गया। अब आपको देखना कहाँ पे है, आप फिर से चले जाएं डैशबोर्ड पे, यहाँ पे देखें आपको मैसेज चला आएगा आपके मोबाइल नंबर पे कि आपने क्या एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे चले जाएं आप डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिख रहा होगा, ऑर्डर्स पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखें IOC जो है 5 क्वांटिटी मेरा ट्रेडर हो गया है और ITC जो है बाई 5 क्वांटिटी और ट्रेडर हो गया, मतलब मेरा प्राइस 168 है, मेरा ITC बाय हुआ है और IOC जो बाय हुआ है वो 76 रुपीज पे हुआ है। तो ट्रेड स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो ट्रेड हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ पे देखें वॉचलिस्ट के बगल में पोजीशंस है, पोजीशंस पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें आपका ऑर्डर नॉर्मल है, मतलब जो भी आपने बाय किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है और यहाँ पे LTP दिख रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा होगा, क्वांटिटी दिख रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होगा, क्वांटिटी दिख रहा होगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे वैल्यू कितना है 840 और यहाँ पे वैल्यू कितना है 380, मतलब 1220 रुपीज का मैंने स्टॉक बाय किया है। अगर दोनों को मिला दे तो मैंने 1220 रुपीज का स्टॉक बाय किया है। तो आप समझ गए, यहाँ पे आपको पोजीशंस में दिख जाएगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। यहाँ पे देखें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जो आज का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो भी आप स्टॉक आपने बाय किया हुआ है। मुझे ITC में 4.50 का लॉस दिखा रहा है और IOC में 50 का लॉस दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं इंट्राडे, जो भी आपने पोजीशंस लिया है इंट्राडे में उस डे में। इसके बाद जाना आपको ओपन पोजीशंस पे, जो आपका पोजीशंस ओपन होगा मतलब क्लोज नहीं हुआ होगा, आपने बाय किया है और उसको होल्ड किया हुआ है, तो ये आज के लिए ओपन दिखाएगा आपको, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो छोड़ दें। अगर मान लो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा और आपको सेल करने का मन है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्क्वाड ऑफ का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें आपको प्राइस क्वांटिटी, आपको सिर्फ मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ नहीं क्लिक करना, फिर से जाना है आपको यहाँ पे, कहाँ पे जाना है, कन्फर्म पे जाना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें सेल ऑर्डर आ गया आपका, मार्केट क्वांटिटी 5 नॉर्मल गुड फॉर द डे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो T+2 डेज में आपके फंड्स में ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल। तो मुझे अभी सेल नहीं करना तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, और मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है।
आपको ऑर्डर्स कहाँ जाना है, कैसे देखना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। पोजीशंस में आपका सेल्फ और एग्जिस्टिंग मतलब क्या है, अगर आपके कोई होल्डिंग्स में स्टॉक है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर टाइप होल्ड मार्क, होल्ड मार्क मतलब ये स्टॉक आपके डीमेट में पहुंच गया है और आपके डीमेट में है ये स्टॉक, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैंने आपको बाय सेल बता दिया, अब आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो स्टॉक्स आपने आज बाय किया है, मान लो मैं पोजीशंस में गया, टुडे पोजीशंस में गया, ये जो दोनों स्टॉक्स मैंने बाय किए हुए आज आईओसी और आईटीसी, ये मुझे कल कहां देखने हैं, कल आपको ये पोजीशंस में नहीं दिखेगा, आपको जाना है मोड पे। जैसे ही आप मोड पे जाएंगे यहां पे देखें पोर्टफोलियो ट्रैकर दिख रहा है आपको, पोर्टफोलियो ट्रैकर पे क्लिक करना है, यहां पे आपको कल जो है स्टॉक्स दिखने लगेगा। यहां पे देखें मेरा सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, यहां पे आपको दो स्टॉक्स दिख जाएंगे आईओसी और आईटीसी का, जो आपने स्टॉक बाय किया होगा वो आपको यहां पे दिख जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप चेक कर सकते हैं पोर्टफोलियो में जाके नेक्स्ट डे कि जो आपने स्टॉक बाय किया है वो कहां दिख रहा है। और जो भी दोस्तों ब्रोकरेज आपका जनरेट होगा या फिर आपका गवर्नमेंट टैक्स जनरेट होगा वो आपके फंड से डेबिट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं कैसे। अब क्या करना है आपको, मोड पे आना है, मोड पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको फंड्स दिख रहा है, फंड्स पे क्लिक कर दें। दोस्तों मैंने क्या बताया था, मैंने 1220 रुपीज का स्टॉक बाय किया हुआ था लेकिन मेरा मार्जिन यूज्ड कितना हुआ है 244 रुपीज। तो ये बात का दोस्तों आप ध्यान रखेंगे खासकर कोटक सिक्योरिटीज में कि जब भी आप स्टॉक बाय करते हैं वो जो है आपको 5 टाइम्स मार्जिन ऑटोमेटिक दे देता है अच्छे स्टॉक में। तो ये नहीं समझेंगे कि मेरा 983 रुपीज अभी मेरा अवेलेबल और बच रहा है, मैं इससे और ट्रेड कर सकता हूं। दोस्तों मेरा पहले बैलेंस कितना था 1230 रुपीज, मैंने बाय कितने किया स्टॉक 1220 रुपीज। अब दोस्तों मान लो मुझे 50 रुपीज या 60 रुपीज का ब्रोकरेज जनरेट होता है तो कल मेरा यहां पे अवेलेबल बैलेंस माइनस दिखाएगा क्योंकि मैंने 1220 रुपीज का तो स्टॉक बाय किया हुआ है। अगर मान लो 60 रुपीज का ब्रोकरेज जनरेट होता है तो मेरे पास तो 10 रुपीज ही लेफ्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा कल जो है माइनस 50 रुपीज दिखाएगा। घबराएंगे नहीं, मैं फंड ऐड करूंगा वो पैसे मेकअप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मार्जिन देता क्यों है कोटक सिक्योरिटीज, दोस्तों ये गलती है, ये जो है आपको देखनी होगी। अगर आप मान लो यहाँ पे 983 रुपीज है और मान लो आपने 5 टाइम्स का और स्टॉक बाय कर लिया 4500 रुपीज का, तो आपको दोस्तों T+2 डेज के अंदर वो जो 4500 रुपीज हैं वो पे करने होंगे कोटक सिक्योरिटीज को। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज को T+2 डेज में वो पैसे नहीं देते हो अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल तो आपका पोजीशन जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे पता था मेरे पास बैलेंस कितना है और मैंने उतने का ही स्टॉक बाय किया है। यहाँ पे आप पोजीशंस में चले जाएं तो मैंने उतने का ही स्टॉक जो है आज बाय किया हुआ था, 1230 रुपीज था मेरा, 840 रुपीज प्लस 380 रुपीज ऑलमोस्ट 1220 रुपीज होता है ये। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, आपको ट्रैक करना होगा नहीं तो कोटक सिक्योरिटीज ऑटोमेटिक मार्जिन देगी आपको। मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने 5 लाख का स्टॉक बाय कर लिया, T+2 डेज के बाद आपको 4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो उनके हाथ में है कि वो जो पोजीशन आपने बाय किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए ये सोच के कि मैं लॉन्ग टर्म में सेल करूंगा, उसको कभी भी सेल कर सकती है कोटक सिक्योरिटीज अपने पैसे वापस करने के लिए। बस यही थोड़ा एक दिक्कत लग रहा है कोटक सिक्योरिटीज है मुझे, क्योंकि नए बिगनर्स को जो है इतना पता नहीं होता, उनको दिखता है कि यहाँ पे मुझे मार्जिन जो है अच्छा खासा मिल रहा है तो मैं बाय कर लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मार्जिन जो है पे भी करना होता है। तो बस मुझे यही बताना था, मैंने बता दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको बाय सेल समझ में आ गया होगा, आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगे कोटक सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।